हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द पीएच एंड एच पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट जीरो। ऑप्शन बी इज एडिंग सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एनएओएच पीएच विल बी 7। ऑप्शन सी पीएच ऑफ डाइल्यूट एंड पोर्ट H2SO4 इज मोर देन कंसेंट्रेटेड एंड कोल्ड H2SO4। ऑप्शन डी इज मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl, द पीएच विल बी लेस देन 7। सो नाउ लेट सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है पीएच ऑफ अ सोल्यूशन और मिक्सचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली पीएच हम कैसे निकालते हैं। तो ये है हमारा एक पीएच स्केल जो 0 से 12 तक लाई करता है। यहाँ पे जो ये 7 होता है, 7 पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। दिस इज न्यूट्रल। 0 to 7 इज एसिडिक रेंज एंड 7 to 12 इज बेसिक रेंज। अब जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा दैट द पीएच ऑफ वाटर इज नॉट 0। हाँ, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की जो पीएच है वो क्या होती है, वो होती है 7। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एनएओएच द पीएच विल बी 7। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है और जो एनएओएच है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो स्लाइटली क्या होगा, बेसिक होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मींस कि जो उसकी पीएच होगी वो क्या होगी, इसकी पीएच हो गई 7 से अबव। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट। सो आर करेक्ट आंसर विल बी एडिंग द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एनएओएच द पीएच विल बी 7। सी पार्ट सी और डी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सी में मैं बोला हुआ है कि जो पीएच है डाइल्यूट एंड पोर्ट H2SO4 की वो ज्यादा होगी कंसेंट्रेटेड और कोल्ड H2SO4 से। और अब जैसे कि हमें पता है कि जो डाइल्यूट H2SO4 है वो क्या होता है, वो लेस एसिडिक होता है। लेस एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के। दैट मींस सी पार्ट भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और डी में हमें बोला हुआ है कि जब एसिटिक एसिड को CH3COH इज एसिटिक एसिड को अगर हम HCl के साथ मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी। अब क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड, और जो HCl है वो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब हम वीक और स्ट्रॉन्ग को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, वो स्लाइटली एसिडिक होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन होने के कारण जो पीएच होगी वो क्या होगी, पीएच विल बी लेस देन 7। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी एडिंग ऑफ सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड एंड एनएओएच पीएच विल बी 7। पीएच 7 नहीं होती, 7 से ज्यादा होती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।